कोरोना महामारी ने देश में चुनाव प्रचार की तस्वीर ही बदल दी है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने चुनावी अभियान और संगठन को वर्चुअल रैली के जरिए धार देने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस पूर्वी भारत पर है। ऐसे में बिहार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली से बीजेपी कैंपेन की शुरुआत की है। शाह की यह रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते बीजेपी अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि अमित शाह ने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद किया है। इस रैली में पश्चिम बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने भी शिरकत की है। वहीं ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही है।